विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा द्वारा अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम विधिवत रूप से घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अपनी टिकट पक्की मान चुके प्रत्याशियों के स्वागत के लिए उनके कार्यकर्ता पूरी तरह जुट गए हैं। इसी तर्ज पर नूरपुर के पूर्व विधायक राकेश पठानिया दिल्ली से लौटने पर भौड़ में जोरदार उनके समर्थकों द्वारा स्वागत किया गया। राकेश पठानिया नूरपुर से दो बार विधायक रह चुके हैं, जिसमें एक बार वे भाजपा पार्टी की ओर से और दूसरी बार भाजपा के टिकट ना मिलने पर निर्दलीय के रूप में जीत दर्ज कर चुके हैं। सूत्रों की जानकारी के अनुसार राकेश पठानिया नूरपुर से भाजपा के प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, जिसकी पार्टी ने अभी विधिवत घोषणा नहीं की है, लेकिन उनका नाम तय माना जा रहा है। इसी कारण नूरपुर पहुंचने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उसका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायक ने उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य किए थे, उनके सिवा नूरपुर में कोई नया कार्य नहीं हुआ है और 5 वर्षों में नूरपुर विधानसभा में विकास कार्य ठप पड़े हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक पार्टी द्वारा विधिवत प्रत्याशी के रूप में टिकट की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उनके आने की सूचना पर भारी संख्या में कार्यकर्ता उनके स्वागत में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही पार्टी की आधिकारिक पुष्टि होती है, उसके बाद नॉमिनेशन के दौरान रोड शो का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश और नूरपुर की जनता इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त है और इन विधानसभा चुनावों में सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी। आपका बहुत जोरदार स्वागत हुआ है। क्या मायने निकाले इसके, क्योंकि अभी तक टिकट को लेकर जो अधिकारी घोषणा नहीं हुई है उसके बारे में? मैं आपकी बात से सहमत हुई, अभी घोषणा नहीं हुई। मैं केवल दिल्ली से भी आया हूँ और मुझे नहीं था पता कि घर के बाहर इतने लोग एकत्रित होंगे, तो घर के बाहर जगह मैं नहीं थी, तो इसलिए हमने इनको कहा कि आप यहाँ पे आए हो फार्म हाउस में, यहाँ पे सबने बड़ा अच्छा प्रवेश स्वागत किया। और मैंने इनको समझाया कि मैं कहा अभी क्योंकि ऑप्शन लिस्ट इशू नहीं हुई, जो रोड शो है या जो भी करना है हमने, वो ऑप्शन ही जो है वो नॉमिनेशन भरेंगे उस दिन करेंगे। पर एक कार्यकर्ता जब दिल से आता तो आप उसको ठेस नहीं पहुंचा सकते, उसको आप मना नहीं कर सकते। आज पता नहीं कैसे ये आके जैसे सूचना फैली है, किस तरीके से लोग यहाँ पे अपने आप अपने खर्चे के ऊपर अपने आप यहाँ पे लोग अपने आप में जो इतनी बड़ी भीड़ आज उमड़ कर आई, ये लोग 6-7 घंटे से खड़े थे। मैं दिल्ली से आया हूँ तो इन्होंने तभी नहीं कहा कि आप सड़क पे नहीं, आप साइड में आ जाए, यहाँ पे आके इन्होंने मिला, स्वागत किया। हम जो है विधिवत रूप से जैसे लिस्ट जारी होगी उसके बाद हम नॉमिनेशन अपना 20 तारीख को भरेंगे, पर उस दिन पूरा एक शो ऑफ स्ट्रेंथ के साथ सब कार्यकर्ता आएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी नूरपुर से रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। जनता तो इंतजार कर रही है स्वर्ण जी की चुनाव कब हो, अब तो 9 तारीख की तिथि आ गई है, तो लोग तो बेटा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं हम कब वोट डालें और इस निकम्मी सरकार को उखाड़कर और इस नलायक विधायक को उठाकर वापस पठानगढ़ भेजें।